कारवांसराय में क़याम करने वाले मुसाफिरों की खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। ये बूढ़ा जो दास्तान को यहाँ बैठा रहता कहानियाँ सुनाने के लिए, आज इसके पास तस्वीर कशी की कहानियाँ हैं, मुसव्वरी की और मुसव्वरों की। लेकिन याद रहे कि ये कोई पाकिस्तानी मुसव्वरी का कोई जायज़ा वगैरह नहीं है। वो मुसव्वर जो मेरे करीब हुए, जो मेरे दोस्त हुए, मैं सिर्फ उनका तज़किरा करूँगा। एक दोस्त ने दोस्ती की तारीफ़ करते हुए मुझे बताया था, बड़ी अच्छी बात लगी मुझे, कि उसने कहा कि दोस्त वो होता है जिसके साथ आप मर्डर और मैरिज शेयर कर सकें, यानी कत्ल और दूसरी शादी। तो उस हिसाब से मेरी भी बहुत ख्वाहिश थी खुदा न खासा कत्ल करने की, नहीं वो दूसरी जो मैंने बयान की है, लेकिन वो बाहर वाली इस उम्र में क्या पूरी हो गई। तो इस किस्म की दोस्ती जिनके साथ थी उनका थोड़ा सा तज़किरा होगा। लेकिन एक फिनोमेना जो मुझे भी समझ नहीं आया है वो ये कि सारी उम्र मैंने बिताई है मीडिया पे और लिटरेचर में, वहाँ मेरी कम दोस्ती हुई। इसकी क्या वजह है? शायद इसलिए कि मेरे अंदर कोई एहसास कमतरी था कि मैं मुसव्वर बनना चाहता था और ड्राइंग ऐसी कमाल की करता था कि घड़ा बनाता था वो तरबूज बन जाता था, यानी बिल्कुल कोई कॉम्पिटेंस नहीं थी। या मेरा ख्याल ये भी है कि मीडिया के लोगों की निस्बत और अदीबों की निस्बत मुसव्वर जो होते हैं वो ज़्यादा इंकसार पसंद होते हैं, उनमें तकब्बर नहीं होता। मीडिया में तो ये है ना कि एक ड्रामा आपने किया, हिट हो गया, पूरी उम्र उसके तज़किरे करते रहे। अदीब साहब ने एक किताब लिख ली इत्तेफाक से, वो पॉपुलर हो गई, सारी उम्र उसका तज़किरा चलता रहा। लेकिन मुसव्वर जो है जब कभी कैनवस के सामने खड़ा होता है तो उसको अपनी कम आएगी का एहसास होता है, वो पिछले शाकार भूल जाता है, अब वो वरीड है उसके बारे में, इसीलिए उसमें तकब्बर नहीं होता। मुझे शुरू से ही मुसव्वरों की कुर्बत का भी शौक था और मुसव्वरी देखने का भी। और जब मेरी पहली किताब आई निकले तेरी तलाश में, तो उसके लिए मैंने दरख्वास्त की चुगताई साहब से, अब्दुलरहमान चुगताई से। मैं उनसे मिला नहीं, मकबूल जहांगीर गए और उन्होंने मेरे लिए बना दिया। इसी तरह बाद के जितने टाइटल हैं वो मुसव्वरी के साथ जो मेरा था वाबस्तगी वो जाहिर करते हैं। मुसन आज़र ज़ूबी ने मेरे लिए बनाए, सईद अख्तर ने दर्जनों के हिसाब से बनाए, और नज़ीर अहमद ने, बशीर मिर्ज़ा ने, साद कैन ने, वगैरह वगैरह। तो आज मैं उन मुसव्वरों का तज़किरा करूँगा जिनकी रफ़ाकत मुझे नसीब हुई और जो मेरे करीब आए। क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा पोर्ट्रेट्स कायदे आज़म की किसने तख्लीक की? और वो पोर्ट्रेट्स उनकी जवानी से लेके बुढ़ापे तक हैं, मुख्तलिफ उनके अदवार हैं, और उनमें एक पोर्ट्रेट जो है नेशनल लाइब्रेरी इस्लामाबाद में लगी हुई उनकी जवानी की है, वो ज़रा देखिएगा। दर्जनों नहीं सैकड़ों पोर्ट्रेट्स कायदे आज़म के बनाई। और क्या आप जानते हैं कि कायदे आज़म की सबसे बड़ी पोर्ट्रेट, मेरा ख्याल दुनिया की में भी सबसे बड़ी पोर्ट्रेट होगी, मैं दावा नहीं कर सकता, वो किसने बनाई जो 3 मंजिला ऊंची थी और यौम पाकिस्तान के 23 मार्च के मौके पर, परेड के मौके पर वो पूरी आवेज़ा की गई थी? वो सईद अख्तर ने किया ये सारा काम, हैरत अंगेज़ काम। मुझे याद है कि जब वो तलाश किया करता था कि कायदे आज़म के जो ज़ाहिर है कि उनका बदन जो कहरा था, तो उस नौयत का कोई मुझे बदन मिल जाए, कोई शख्स, तो वो ढूंढा उनके ला के तो उसको सामने बिठा के तो बनाते थे, पोर्ट्रेट्स बनाते थे। सईद के साथ मेरी बहुत पुरानी वाकफियत, बहुत पुरानी दोस्ती, मेरा 60 बरस हो गए होंगे और मैंने उसे बहुत करीब से देखा। और जितना टैलेंटेड वो है, मैंने आज तक मुसव्वरों में कोई बंदा ऐसा टैलेंटेड नहीं देखा। मसलन 19 में अजनबी के टाइटल पे उसने खदे कूफी में खत्ताती की। याद रहे कि इनका पूरा ख़ानदान खत्ताती में मास्टर था, बल्कि इनकी शायद फूफी थी, पूरे हिंदुस्तान में उनकी खत्ताती की धूम थी। सईद अख्तर भी पाकिस्तान के बेहतरीन खत्तातों में शुमार होता है अगर वो खत्ताती की तरफ फुल टाइम आ जाए। इसी तरह जो इल्मुल बदन है,
यानी वो पुराने जो पेंटर थे और मुजस्मा साज थे, वो कहा करते थे कि जी वो लोग जिनको इल्मुल बदन पे अबूर नहीं था, इंसानी जिस्म की जुज़ियात के बारे वो तफसील से नहीं जानते, सिर्फ वही अपनी तस्वीरों को और मुजस्मों को कपड़े पहनाते हैं ताकि कवर्ड हो जाए सारा कुछ। सईद अख्तर के पास इल्मुल बदन है, उसकी जो लेटेस्ट अब तस्वीरें आ रही हैं, आप कभी उनको देखें तो हैरान रह जाएं। वो एक नई तरफ उसका चला है, जो क्लासिक की तरफ से आया और एक फैंटसी की तरफ से गया। बलोच सरदार हैं, बड़ी बड़ी पगड़ियां बांधे हुए रेमब्रांट की तरह, और मैं तो उसे पाकिस्तान का रेमब्रांट मानता हूँ। ख़वातीन हैं बड़ी बड़ी आँखों वाली, एक अजीबोगरीब फैंटसी की दुनिया, और उसमें उसके इल्मुल बदन के कमालात देखिए। मुझे याद आता है कि माइकल एंजलो, उसकी एक बायोग्राफी है एग्नी एंड द एक्सटेसी, तो उसमें लिखा है कि बचपन से उसे बहुत शौक था पेंटिंग का, मुजस्मा साजी का, और अब सिलसिला ये था कि अब वो बदन, इल्मुल बदन हासिल कहाँ से करे, कोई तरीका नहीं था। फ्लोरेंस में मैं रहता था, मैं फ्लोरेंस गया हूँ और मैंने वो जगह देखी है, फ्लोरेंस का जो मुर्दा खाना था, उसमें फ़कीरों की लाशें आ जाती थी या जो गुमनाम लोग थे, वो कॉरपोरेशन की तरफ से वो एक मुर्दा खाना था। ये 10-12 साल की उम्र में वहाँ जाता था रात को और छुरी लेके जाता था, और जाके जो डेड बॉडीज़ हैं उनको काट के देखता था कि ये रग कहाँ जा रही है और ये रग कहाँ जा रही है। और उसके बाद फाइनली एक शब वो वापस आया तो उसके बाप ने उसे देखा, उसका ख्याल था कोई कत्ल करके आया, खून खून था, तो उसने उसको डांटा। और मैं माइकल एंजलो की मैं बात नहीं कर रहा, आप पायटा उसका देखें जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को स्लीप से उतारा गया, वो लगता है कि एक मुर्दा बदन है, जिस तरह उनकी रगें हैं, जिनकी उनकी बेजानी है, इसी तरह इसको भी अबूर हासिल है सईद अख्तर को इन इल्मुल बदन पे। पोर्ट्रेट्स में तो उसके बारे में मशहूर था कि जब सईद अख्तर को कोई काम नहीं होता तो तारण को सामने बिठा के उसकी पोर्ट्रेट बनाना शुरू कर देता। मेरा ख्याल मैक्सिमम पोर्ट्रेट्स सईद ने बनाई हैं, 7-8 के करीब होंगी, और जाहिर है कि जवानी से लेकर अब तक पूरा जो सिलसिला है वो सईद अख्तर की पोर्ट्रेट्स, स्कल्पचर जो है, मुजस्मा जो है, वो भी बनाने में वो मास्टर है। अच्छा, अखर तबीयत अल्लाह ताला ने दे दी उसको, और जाहिर है कि जवानी में भी बहुत अखड़ हुआ करते थे मौसूफ, अब नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स में पढ़ा रहे हैं, स्कल्पचर की क्लास है, और वो लड़के लड़कियाँ जो स्टूडेंट्स हैं 15-20, उन्होंने शब रोज़ की मेहनत के बाद वो महीना 2-2 महीने लग जाते हैं एक ख़ास स्कल्पचर बनाने में, वो मुजस्मे बना के रखे हुए हैं, और प्रोफेसर साहब दाखिल होते हैं सईद साहब, और वो यूँ एक नज़र डालते हैं और एक आध मुजस्मा छोड़ के बाकियों को तोड़ फोड़ देते हैं। मैं तो ये नहीं कहते कि ये क्या, नो, जाके ज़मीन पे, और वो टुकड़े टुकड़े सारा पूरा क्लासरूम हुआ हुआ है, और बच्चे जो है वो खून के आंसू रो रहे हैं कि ये हमारे साथ क्या हुआ। लेकिन इसका नतीजा ये निकला कि बाद में उनके जो स्टूडेंट थे जिन्होंने नंबर हुए पेंटिंग में भी स्कल्पचर में भी, उन्होंने माना, उन्होंने कहा जी बात ये है कि अगर सईद साहब हमारे वो मुजस्मे ना तोड़ते या हमारी तस्वीरों पे काटे ना यूं करके फेरते, तो हम आज भी उसी किस्म के 2 नंबर तस्वीरें और 2 नंबर स्कल्पचर बना रहे होते। अब भी जब कैनवस सामने होता है तो हम कहते हैं कि सईद साहब ना आ जाएं कहीं, उनका खौफ अब भी तारी है, इसलिए हम परफेक्शन उसमें क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। ख़वातीन हज़रात, बहुत लंबी बात हो जाएगी, मैं सिर्फ इतना अर्ज़ करना चाहता हूँ कि बहुत से ऐसे लोगों से मुलाकात होती कि उस वक्त एहसास नहीं होता कि ये लोग जो हैं एक लेजेंड है, एक तारीख है। सईद अख्तर के साथ बैठें तो एहसास होता है कि ये बंदा एक लेजेंड है और एक तारीख। अभी कुछ रंग बाकी हैं कैनवस के। जो रंग बाकी हैं उनको भी तो लगाना है ना। इस्लामाबाद में जो तवील क़याम हुआ मॉर्निंग ट्रांसमिशन के सिलसिले में, तो बहुत से दोस्तों के साथ महफिल रहती थी, मुसव्वरों में ग़ुलाम रसूल मेरे बहुत करीब था,
जनरली मतलब कि वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं था, उसकी अपनी तबीयत थी ख़ास, लेकिन मेरे साथ वो बहुत मतलब बहुत मेरे नज़दीक था और बड़ा कॉम्पिटेंट था लैंडस्केप में। लैंडस्केप में वो हमेशा कहता था कि भैंसें बुलाना बड़ा मुश्किल, चुनाचे मैंने जब कभी भैंसें देखी हैं तो मुझे गुलाम सूब याद आता है कि वो होता तो इनको सही डिपिक्ट करता। और मैंने बाकी उस्ताद अला बख्श के भी देखे ना पेंटिंग, उनमें भैंस सबसे मुश्किल है। वो कहते ना ऊँट रे ऊँट तेरी कौन सी कल सीधी भी थी, लेकिन ये असल भैंस के बारे में कहा गया है क्योंकि भैंस को पेंट करना बहुत मुश्किल। तो गुलाम सूब जो है ना वो जनरली जो पेंट करता था लैंडस्केप, वो अपने घर से बाहर चला जाता था और वो मरगला हिल्स और वो सारा कुछ और बहुत खूबसूरत। अच्छा एक इंसिडेंट उसकी ज़िंदगी का मैं बयान करना चाहता हूँ, ये और ज़ुल्करनैन हैदर, और वो भी मास्टर हैं लैंडस्केप के, उन जैसी लैंडस्केप भी कम लोग बनाते हैं। गुलाम सूब और ज़ुल्करनैन हैदर पंजाब यूनिवर्सिटी में क्लास फेलो थे और खालिद इकबाल साहब के शागिर्द थे। खालिद इकबाल आप कह लें कि फादर ऑफ लैंडस्केप इन पाकिस्तान। अच्छा ये दोनों माशाल्लाह तनु तो इतना बहुत मजबूत था, चुनाचे कोई पेंटिंग बनी या कोई ड्राइंग बनी तो उसमें इनके दरमियान तनाज़ा खड़ा हो गया गुलाम सूब और ज़ुल्करनैन हैदर के। वो कहे कि जी मेरी बेहतर है, वो कहे जी मेरी बेहतर है। फाइनली फैसला ये हुआ कि दोनों कुश्ती लड़ेंगे। आप नहीं यकीन कर रहे, बेशक आप जाकर ज़ुल्करनैन साहब हैं उनसे पूछ लीजिएगा। चुनाचे पंजाब यूनिवर्सिटी का जो भी लॉन था वहाँ गुलाम सूब साहब लंगोट बांध के कूद पड़े और ज़ुल्करनैन हैदर साहब आ गए और उनके दरमियान कुश्ती हुई। मुझे नहीं मालूम कि जीता कौन, लेकिन ये मेरा ख्याल है दुनियाए मुसव्वरी में ये वाहिद इंसिडेंट है। कभी आपने सुना कि पिकासो और माने या दूसरे किसी के दरमियान कुश्ती हुई है? ये फ़ख्र हमें ही हासिल है। खैर तो बाद में पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स के डायरेक्टर भी रहे गुलाम सूब, मैं उनके घर भी जाता रहा। तो उन दिनों मुझे गंधारा से बहुत शगफ था, वो घूमता फिरता रहता था गंधारा की साइट्स पे, कुछ चीज़ें मिल गई कोई ये वो। तो मुझे एक दफ़ा गुलाम सूब ने पूछा कि भाई आप कभी कभार वीकेंड पे किधर निकल जाते हैं? तो मैंने उसे बताया, कहने का मैं भी चलूँ। मैं उसे साथ ले गया, श्री बैलोल नाम का एक कस्बा है, अब तो खैर काफ़ी टाउन हो गया और पाकिस्तान के कदीम तरीन कस्बों में से, और गंधारा अहद के जो नक्शे हमें मिलते हैं उनमें उसका तज़करा है और उनमें लाहौर भी नहीं है और कई, यानी इतना कदीम कस्बा है और वहाँ अक्सर गंधारा की चीज़ें भी दें उस ज़माने में सिक्के और दूसरी चीज़ें मिलती रहती थी। और एक टीले पर वाक़ है, आप जानते हैं कि जो कदीम शहर होते हैं वो मतलब कि तहें उनकी मुख्तलिफ होती। तो गुलाम सूब को मैं ले गया वहाँ पर, ही वो सो फैसिनेटेड एक गंधारा तहजीब से, एक श्री बहरोल की वो पूरा जो टीले पे एक पुराना गांव है और दूर से दिखाई देता था। चुनाचे मौसूफ ने एक महीने की छुट्टी की, वहाँ शिफ्ट हो गए और श्री बहरोल को पेंट किया और उसके बाद उसकी नुमाइश की। मैं समझता हूँ कि श्री बहरोल अब ज़ाहिर के चीज़ों के साथ वो भी तब्दील हो गया है। मैं अब लास्ट टाइम गया हूँ तो पहचाना नहीं जाता था, चंद कोई 1.5-2 हज़ार साल पुरानी दीवारें अभी तक मौजूद हैं, बाकी इर्द गिर्द सारी आबादी हो गई है। लेकिन गुलाम सूब की पेंटिंग्स में श्री बहरोल जो है वो हमेशा ज़िंदा रहेगा। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि चीज़ें बदल जाती हैं, ये जो मुसव्विर है ये उस अहद को संभाल लेते हैं। यानी सैदपुर जो है, सैदपुर आप जानते हैं कि नेवाई गांव इस्लामाबाद का, अब वो बहुत कमर्शियल हो चुका है, लेकिन जो ओरिजिनल सैदपुर था जहाँ मैं भी जाया करता था, जहाँ ऊपर एक बड़ी खूबसूरत आबशार थी और एक दरख्त था बहुत बड़ा, उसको बुद्धा ट्री कहते थे, अल्लाह जाने कि वो किसका ट्री था, लेकिन वो बहुत ही खूबसूरत इलाका था सैदपुर का। एक पुराना मंदिर था, चंद घर थे, एक साहब वहाँ पर मिट्टी की गाड़ियाँ बनाते थे और भी लोग थे। उसके बाद वो कमर्शियल हो गया, लेकिन गुलाम सूब ने उसे पेंट किया उसके मुख्तलिफ हिस्से। चुनाचे सैदपुर क्या था आज से 50 साल पहले ऑलमोस्ट, ये गुलाम सूब की पेंटिंग्स में महफूज हो गया। मैं उसको बहुत मिस करता हूँ, बहुत अच्छा दोस्त। जो मॉर्निंग ट्रांसमिशन हुआ करती थी पुराने ज़मानों में, उसमें मुख्तलिफ प्रोग्राम्स होते थे, वर्जिश का भी होता था,
खाने का भी होता था, इसी तरह इकिबाना का होता था, वो जो फ्लावर्स बनाते हैं कागज़ वगैरह से, मुख्तलिफ प्रोग्राम, और उसमें मुसव्वरी का भी एक प्रोग्राम था और वो बहुत पॉपुलर था। मुसव्वरी के उस प्रोग्राम में जो टीचर होते थे वो मंसूर राही थे। मंसूर राही से मेरी मुलाकात वहाँ पे हुई। अच्छा, अब ये अजीबोगरीब फिनोमेना है कि हाजरा मंसूर, उनकी अहलिया, वो ख़ुद बड़ी अच्छी पेंटर हैं, चुगताई के ट्रेडिशन में वो पेंट करते हैं, बड़ी बड़ी आंखें वगैरह वगैरह, लेकिन इनका मिलाप अजीबोगरीब है, क्योंकि मंसूर राही प्योर बंगाली थे और वो प्योर लखनऊ की तहजीब की, चुनाचे उनकी जो आपस की गुफ्तगू थी वो सुनने के लायक होती थी। तो मतलब वो कह रही हैं कि मियाँ किधर जा रहे हैं, और वो पता नहीं आला बादशाह कुछ और जवाब दे रहे हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने उर्दू और बंगाली के मिक्सचर से मोहब्बत की एक ज़बान तख्लीक कर ली। तो मंसूर राही के साथ हर हफ्ते मुलाकात वहाँ भी होती थी, उसके घर भी आना जाना होता था, और मुसव्वरी के बारे में गुफ्तगू भी होती थी। तो एक दफ़ा छुट्टियों में, जिस तरह मेरी उन दिनों आदत थी, नॉर्थ को निकल जाता था, तो मुझे मंसूर ने पूछा कि ये कहाँ जा रहे हैं आप। तो मैंने बताया, अब उसको कुछ ज़्यादा इल्म नहीं था नॉर्थ का, तो मुझे कहता मैं भी चल सकता हूँ साथ। मैंने कहा मंसूर ज़रा टफ़ होगा, आप सेंसिटिव किस्म के लोग हैं, हाथ में ब्रश पकड़ के खड़े रहते हैं कैनवस के, और क्यूबिज़म, क्यूबिज़म उसका फेवरेट था, उससे बाहर नहीं निकला शायद वो, लेकिन क्यूबिज़म में वो बहुत खूबसूरत तस्वीर है, उस जैसा क्यूबिज़म का इस्तेमाल मेरा ख्याल पाकिस्तान में और किसी ने नहीं किया। तो बाहर तौर वो चलने को तैयार हो गया। तो वो ट्रिप था नांगा पर्वत का, उसमें सुमैर मेरा छोटा बेटा छठी जमात में शायद पढ़ता था वो था, और मंसूर राही, ये तीन थे हम। तो बाहर तौर हम तरशिंग गए, और वहाँ से फिर पैदल आगे नांगा पर्वत के दामन तक गए। और जिस तरह होता है ना कि एक बंदा सदमे में आया हुआ, स्टंट, मंसूर राही, आप देखें ना बंगाल की लैंडस्केप जो है वो बिल्कुल फ्लैट है, पानी है, पानी ब्यूटीफुल, रिवर्स, जंगल ब्यूटीफुल, लेकिन माउंटेन्स नहीं है। तो उस हवाले से जब वो उन माउंटेन्स को देखता था तो मतलब खड़ा होकर देखता रहता था। फिर मैंने कहता था मंसूर आगे चलना है। चुनाचे चार पाँच दिन हम वहाँ पर रहे। अच्छा, और मेरी जो किताब है नांगा पर्वत, उसमें बड़ा तफसीली तज़किरा है। ही वॉज़ ए वेरी गुड कंपेनियन, और हमें उससे कोई शिकायत नहीं पहुंची, ही वॉज़ वेरी कोऑपरेटिव। मुझे याद है कि जब नांगा पर्वत के बेस कैंप से हम वापस आ रहे थे तो सुमैर बहुत खुश था, तो इसने मंसूर राही ने कहा कि आपको पता है कि ये क्यों खुश है। मैंने कहा क्यों। कहने का हमारे बंगाली में कहावत है कि घर लौटने वाले मवेशी हमेशा खुश खुश चलते हैं। ये मुझे उसकी बात याद है आज तक। लेकिन ये है कि सैकड़ों लोग हैं पाकिस्तान में जिन्होंने मुसव्वरी की तालीम थ्रू मंसूर राही हासिल की, और आजकल वो बहुत फेमस हैं, और मेरा ख्याल है कि इन दिनों वो कराची में हैं। बहुत अरसे से बात नहीं हुई, लेकिन मेरे बहुत क्लोज रहे। अच्छा, जैसे ग़ुलाम रसूल जो है श्री बहलोल से वापस आया तो उसमें एक तब्दीली आई। उसने श्री बहलोल की लैंडस्केप जैसी लैंडस्केप्स पेंट करनी शुरू कर दी। इसी तरह मंसूर राही में भी एक तब्दीली आई जब वो नॉर्थ से वापस आया, शुमाल से, नांगा पर्वत के दामन से, कि बेशक वो क्यूबिज़म पे यकीन लगता था, ज़्यादातर जो उसके कैनवसेस थे जो पेंट के वो यही थे, लेकिन वो ड्राइंग्स भी बहुत अच्छी बनाता था। ही वॉज़ वेरी गुड, मतलब के जो पेन एंड इंक और ये वो, उसमें उसने जितनी भी सैकड़ों की तादाद में ड्राइंग बनाई वो नॉर्थ की थी, और उनमें वही पुराने घर थे और वही माउंटेन्स थी। चुनाचे एक और, जिस तरह वो पहले भी मैं अर्ज कर चुका हूँ कि मुसव्वरों का कमाल ये है कि वो महफूज कर लेते, तो मंसूर राही की ड्राइंग्स में भी जो पुरानी रहतल है नॉर्थ की वो महफूज हो चुकी। कैनवस गीला हो तो कुछ देर इंतजार करते हैं। मेरा ख्याल है कि कैनवस मुनासिब तौर पे खुश्क हो चुका है। अगर आपको शोक रंग पसंद है तो बशीर मिर्ज़ा उर्फ आम में बीएम कहलाया,
उसकी तस्वीरों से बढ़कर पुरकशिश तस्वीरें और किसी ने नहीं बनाई। बशीर मिर्ज़ा ने इस्लामाबाद में अपनी एडवर्टाइजिंग एजेंसी की एक ब्रांच खोली और कुछ अर्सा वहाँ मुकीम रहा और मेरे हॉस्टल के करीब ही था, तकरीबन हर शब मुलाकात हो जाती थी। बड़ा ज़हीन शख्स और बड़ा कमाल का पेंटर और बड़ा अच्छा दोस्त। और उसके रंग शौक क्यों थे, वो उसने ख़ुद मुझे बताया था कि अमृतसर का रहने वाला। तो बचपन में उसने देखा कि उनके वालिद साहब जो टांगे हैं उनको पेंट करते थे, जिस तरह आजकल ट्रक आर्ट नहीं है जो बहुत मशहूर हो रहा है, इसी तरह हमारे जो ज़माने थे बचपन के उसमें टांगे और रेड़े जो थे ये इसी तरह ही सजाए जाते थे जिस तरह आजकल वो ट्रक सजाए जाते, और उनमें भी अजीब गुलबूटे होते थे और ज़ाहिर वो शोख रंगों के होते। तो बशीर मिर्ज़ा ने वो जो उसके वालिद इस्तेमाल करते थे रंग वो एडॉप्ट किए और उनसे तस्वीरें बनाई। पोर्ट्रेट भी बड़ी अच्छी बनाता था मेरी, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट पोर्ट्रेट उसने भी बनाई। लेकिन ब्लू गर्ल उसका सीरीज है, एक बहुत ही खूबसूरत सिलसिला है 15-20 तस्वीरों का, जिससे वो बहुत मशहूर हुआ। कहते हैं कि वे कराची में पहली आर्ट गैलरी उसी ने खोली। यानी बड़ा वो ये था कि फार साइटेड था उसकी जो था एक सोच, वो बाकी मुसव्वरों से आगे चली गई थी। अच्छा, बहुत यंग, गुड लुकिंग। तो मुसव्वराबाद कह रहा हूँ इस्लामाबाद में अक्सर मुलाकात होती। एक रोज़ मैं वापस आया हूँ ट्रांसमिशन करने के बाद, मैं कहीं चला गया, 1:30 बजे वापस आया। तो वहाँ जहाँ मैं ठहरा हुआ था मैंने हॉस्टल में, वहाँ की ऑपरेटर ने मुझे फ़ोन करके कहा कि तार साहब, किसी बशीर मिर्ज़ा के सुबह से को 20-25 फ़ोन आ चुके हैं, आप ट्रेस नहीं हो रहे थे। उन दिन मोबाइल तो था नहीं, फ़ोन ही। तो उन्होंने कहा मुझे फ़ौरन टेलीफोन करे। मैंने कहा या अल्लाह खैर कि भाई बशीर मिर्ज़ा सुबह से इतने टेलीफोन कर रहा, कभी एक आध आ गया ठीक है, पास ही रहता। मैंने फ़ोन किया मैंने कहा क्या बात है, खैरियत है, तुम ठीक हो? कहने लगा मैं ठीक हूँ। यार तुम कहाँ से? मैंने कहा क्या मसला क्या है? कहने लगा आज मेरी शादी हो रही और गवाह के तौर पे तुम्हारा नाम है, तुम नहीं होगे तो मेरी शादी किस तरह होगी, फौरन पहुँचो। मैंने कहा कहाँ? तुम्हारे दफ्तर। कहने लगा नहीं, शादी का बंदोबस्त मैंने एक दोस्त के यहाँ किया। अब उस दोस्त के यहाँ पहुँचे भागम भाग ड्राइंग रूम में, वहाँ था अरेंजमेंट, चंद एक लोग ही थे, ज़ाहिर है उसकी इतनी वहाँ पे वाकफियत नहीं थी। शादी भी उस उम्र में कर रहा था जब बच्चों की शादियाँ करते हैं, तब वो अपनी शादी कर रहा था और इंटरेस्टेड भी नहीं था बाहर। तो मैंने उससे नहीं पूछा कि भाई ये खातून कौन है, क्या है, तो क्यों यकदम ख्याल आया कि शादी करनी चाहिए। तो मैंने जाके पूछा कि भाई वो कहाँ है बशीर मिर्ज़ा? कहेंगे दूल्हा मियाँ ऊपर तैयार हो रहे। अब मैंने इर्द गिर्द देखा ना, बशीर मिर्ज़ा अगेन लाइक कॉलिन डेविड न्यूड बहुत अच्छी बनाता था, उसका पैशन था। तो वो जो ड्राइंग रूम था उसके दोस्त का, उसमें इर्द गिर्द तमाम पेंटिंग्स वो लगी हुई थी न्यूड्स की। खैर अब हम बैठे इंतज़ार कर रहे हैं तो देखा कि मौलवी साहब जिन्होंने निकाह पढ़ाना था वो दाखिल हुए। अब चूंकि मेरा फेस ज़रा जाना पहचाना था, सीधे मेरी तरफ आए, सलाम दुआ मुझसे ली, बैठ गए साथ। उसके बाद उनकी निगाह पड़ी दीवारों पर, यूं करके उन्होंने देखा, फिर मुझे कहने लगे ये लड़का करता क्या है? मैंने कहा जी बस यही कुछ करता है। अच्छा, इस दौरान बशीर मिर्ज़ा साहब बाकायदा सेहरा डाले नीचे आए। एक बात मैं अर्ज़ कर दूँ इससे पहले कि उसमें कोई फिज़िकल मसला था, कोई बीमारी थी उसकी, कुछ लोगों को हो जाता है कि एकदम उसको हिचकी शुरू हो जाती और वो कंट्रोल नहीं कर सकता था, बीमारी थी कोई, और 1.5 घंटा रहने के बाद वो ठीक हो जाता था। बाहर तौर वो नीचे उतरा, आगे मौलाना बैठे, निकाह शुरू हुआ। तो अनफॉर्चुनेटली उसी वक्त उसको हिचकी लग गई। अब उसने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रिपीट करते हुए कुछ 6 मरतबा दरमियान में हिचकी ली। उसके बाद भी उससे वो सही तरह बोला नहीं जा रहा था,
तो अब मैं सोच रहा हूँ कि अब क्या किया जाए, और मौलवी साहब भी देख रहे हैं कि दूल्हा को क्या हुआ है। मैंने कहा जी ये सिलसिला है इनका, इनका मसला है। तो कहने लगे कि थोड़ा सा इंतज़ार कर लेते हैं। तो मैंने कहा कि नहीं, मैंने बशीर मिर्ज़ा से कहा कि मैंने कहा VM इस तरह करो कि मौलवी साहब जो कुछ कह रहे हैं ना वो मैं रिपीट कर देता हूँ और तुम मेरे पीछे आहिस्ता से रिपीट कर लो। कहने लगा ठीक है। एकदम कहने लगा और बात सुनो तार, मुझे बेवकूफ़ समझते हो, इस तरह से तुम्हारा निकाह हो जाएगा उसके साथ। तो मैंने कहा अच्छा यार, बाहर तौर बड़ी मुश्किल से उसका निकाह हुआ और बहुत कामयाब हुआ, उसकी शादी हुई, पूरे 3 महीने चली। उसके बाद खातून उसे को कच्चा दे के तो निकल गई। मुसफ़र भी थक जाते हैं ना, तो इंतज़ार कीजिए। जी मुसफ़र ताज़ा दम हो गया। बशीर मिर्ज़ा बाद में ऑस्ट्रेलिया में भी रहा एज कल्चरल अटैची, और वहाँ भी उसने नुमाइशें की, और बहुत यंग एज थी उसकी, और वो चला गया। आज भी मेरे ड्राइंग रूम में जो 2 तस्वीरें लगी हुई बशीर मिर्ज़ा की, एक वो राजस्थानी लड़कियाँ पेंट करता था कोका यहाँ पे, और एक मेरी जो पोर्ट्रेट है, वो लोगों को बताना पड़ता है कि ये पोर्ट्रेट, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट उसने बनाई हुई। हाँ, मुझे एक और किस्सा याद आ गया। एक बहुत बड़ा होटल था, वहाँ उसे को प्रोजेक्ट मिला पेंट करा, तो मुझे फ़ोन किया। कहने लगा यार आ जाओ, मेरा दिल लगा रहेगा, मैं यहाँ पे बहुत बोर होता हूँ अकेला, मैं पेंट कर रहा हूँ। खैर मैं गया, हम बैठे रहे, खाना वाना शायद चाय वाय चलती रही, तो मैंने देखा कि वो जो पेंट कर रहा है ना, तो एक साथ उसने वाइट कागज़ रखा हुआ है, उसके ऊपर वो ब्रश साफ करता यूं कर, फिर रंग लगाता। जब हम उठने लगे ना, तो मैंने कहा बशीर मिर्ज़ा इसका क्या करना है इस कागज़ का। कहने लगा इसको फेंक दो, वो उसको मुलाया। मैंने कहा नहीं नहीं एक सेकेंड। मैंने कहा ये मैं ले लूँ? कहने लगे तुमने क्या करना है? मैंने कहा बस ले लूँ या नहीं ले लूँ, क्योंकि मुसफ़र बड़े सेंसिटिव होते। कहता ले लो। तो मैंने कहा अच्छा इसके कोने में ना एक सुर्ख दायरा लगा दो। तो उसने कोने में सुर्ख दायरा लगा दिया। मैंने कहा नीचे अपने दस्तखत कर दो। नीचे उसने दस्तखत कर दिए। थोड़ी देर बाद सोच के कहने लगा कि ज़रा उठो, ज़रा वहाँ खड़े हो जाके दिखाओ मुझे। उसने देखा, कहने लगा यार ये तो मुकम्मल पेंटिंग है सनराइज़ की। मैंने कहा अब ये मेरी हो चुकी। चुनाचे ये भी वो भी मेरे पास महफूज पड़ी। बहाव के लिए उसने स्केच बनाया था पारोशनी का, बहुत खूबसूरत, वो भी मेरे पास है। और ये सारे मतलब एक आध के सवा, एक दो के सवा, बस उनकी बहुत कमी महसूस होती है इस किस्म के लोगों की, कम रह गए। ख़्वातीन हज़रात तवील रफाकते हों तो उनका बयान भी तवील हो जाता है, मैं चाहता तो नहीं था। लेकिन बाहर तौर अभी 2 मुसव्वर कम अज़ कम ऐसे हैं जिनका तज़किरा मैंने बहरहाल करना है, और उनमें एक लैंडस्केप के, जिस तरह मैंने कहा कि इज़ द फादर ऑफ लैंडस्केप इन पाकिस्तान, मोहतरम खालिद इकबाल साहब, और दूसरा उनके होनहार शागिर्द और इस वक्त कम अज़ कम पाकिस्तान में सबसे बड़े लैंडस्केप पेंटर नज़ीर अहमद, इनका तज़किरा होगा अगले एपिसोड में। लेकिन उनके सिवा अब ये देखिए कि एक और साहब का तज़किरा होगा। दरअसल हम कायल हो गए हैं आपकी इस्तेकामत के और सबर के, और हम सलाम पेश करते हैं ये हकीर पुर तकसीर फ़कीर, अब आप हुक्म करें क्या चाहिए, ये अब आप गेस करें कि ये कौन।